बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ में प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कंडीशन, इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में संपन्न होती है, इनमें क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है। क्या? हरित लवक। डे टाइम, दिन के समय जब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हो, तो हरे पौधों में, जिनमें पढ़ने युक्त हरे पौधों में दिन के समय या था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से शुगर फॉर्मेशन होता है, शर्करा का निर्माण होता है या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, या इसी को एसिमिलेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का स्वांगीकरण कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल को अवशोषित करते हैं और दोनों के संयोग से ग्लूकोज, शुगर, शर्करा का निर्माण होता है। जैसे इसके रिएक्शन समीकरण में हम देखेंगे, 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं। 6H2O ये जल है जिसको जड़ों द्वारा पौधे अवशोषित करके प्राप्त करते हैं, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश दिन के समय होता है, और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, तो हरे पौधे में उपस्थित होता है, बन गया ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में जो वायुमंडल में वितरित हो जाती है, छोड़ दी जाती है, और ग्लूकोज बहुत जल्दी मंड में परिवर्तित होकर पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संचित हो जाता है। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस क्रिया में सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की रेडिएंट एनर्जी, ये विकिरण ऊर्जा चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, किसमें परिवर्तित हो जाती है? सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, वायुमंडल की CO2 से कार्बन को प्राप्त किया जाता है जिसका एसिमिलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। H2O जल से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। जल के अपघटन से O2 बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में, यहाँ ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। इस क्रिया को फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रकाश जल अपघटन कहते हैं। बच्चों, प्रकाश जल अपघटन जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा हरे पौधे की पत्तियों पर पड़ती है, तो जो हरे पत्तियों में पढ़हरित किरण होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, उस प्रकाश ऊर्जा को पाकर ऊर्जान्वित हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आकर जल के अणुओं से टकराने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जल के अणुओं का वियोजन होने लगता है, जल के अणु टूटने लगते हैं और उसके हाइड्रोक्सिल आयन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लगती है। इस क्रिया को फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रकाश जल अपघटन कहते हैं, प्रकाश जल अपघटन। अब प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज इज फॉर्म। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज निर्मित होता है और बहुत जल्द ही यह ग्लूकोज
स्टार्च मंड पॉलीसेक्राइड में बदल जाता है और पौधे के जड़ तना पत्ती उस कलिका फल इत्यादि में संचित हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक दो ये आवश्यक घटक हैं। इसके साथ ये इस प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं रहे। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझने के लिए हम लोग ये कहा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हरित लवण क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक और इस हरित लवक के मुख्य दो भाग होते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा। अभी ग्रेना में लाइट रिएक्शन ग्रेना में जो है लाइट रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रिया और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया ये प्रकाशिक अभिक्रिया और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो साइट है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के मुख्य दो भाग होते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन को ही हील रिएक्शन कहते हैं और डार्क रिएक्शन को ब्लैक माइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो शीर्षकों के अंतर्गत दो क्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन ये प्रकाशिक अभिक्रिया में जो ग्रेना में संपन्न होती है बच्चों इसमें सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की रेडिएंट एनर्जी को विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। जल का प्रकाश जल अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और जल के विघटन से हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सी आयनों का निर्माण होता है। हाइड्रॉक्सी आयन से
बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पावर, रिड्यूसिंग पावर, अपचयन शक्ति, परिपाचन शक्ति का निर्माण होता है जो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होते हैं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे के क्रम में। पहला पॉइंट है प्रकाश जल अपघटन। प्रकाश जल अपघटन, प्रकाश जल अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल के प्रकाश अपघटन में बच्चों सबसे पहले जब परहरित के अणु प्रकाश ऊर्जा को पाकर ऊर्जान्वित हो जाते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में आकर के जल के अणुओं का वियोजन करने लगते हैं, जल के अणुओं का वियोजन करने लगते हैं जिससे जल दो आयनों में विभक्त होने लगता है। इसमें एडीपी फास्फेट जुड़ करके एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा इसे 4H2O, फोर एच आयन प्लस फोर ओ एच आयन, ये हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं। ये जल का प्रकाश जल अपघटन है। दूसरे स्टेप में ये हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है 4OH इससे बन जाता है 2H2O प्लस O2, यही जो है बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब अगले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन आयन होता है हाइड्रोजन ग्राही एनएडीपी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। एनएडीपीएच2 ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन ग्राही एनएडीपी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं एनएडीपीएच2, इसी को रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर अपचयन शक्ति जो डार्क रिएक्शन में और प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। और बच्चों इसी में एडीपी से फास्फेट जोड़ करके एटीपी का निर्माण कर देता है। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट से एक फास्फेट जुड़ता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट मुक्त हो जाती है, बन जाता है। अब यहां जो एडीपी से एटीपी बनता है इसी को फोटोफास्फोरिलेशन प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया कहते हैं। ये प्रकाशिक अभिक्रिया में कार्य संपन्न होता है। बच्चों प्रकाशिक अभिक्रिया जो ग्रेना में संपन्न होती है हरित लवक के, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जब
परहरित के अणुओं पर पड़ते हैं तो उस ऊर्जा को पा करके ये ऊर्जान्वित होकर के एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और जल के अणुओं का वियोजन करने लगते हैं। इस क्रिया को प्रकाश जल अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब जल अपने अवयवी आयनों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयनों में मुक्त टूटने लगता है। हाइड्रॉक्सिल आयन संघनित होकर के ऑक्सीजन गैस और जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे रिड्यूसिंग पावर एसिमिलेटरी पावर अपचयन शक्ति परिपाचन शक्ति का निर्माण होता है जो डार्क रिएक्शन में प्रयुक्त होती है। तो दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, इसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बना वही कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में भाग लेता है। इस अभिक्रिया को सबसे पहले ब्लैक माइन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसको ब्लैक माइन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट बच्चों आगे के क्रम में अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े उसके बाद अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये डार्क रिएक्शन, ये जो हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। याद रखेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया का उल्लेख किया था, इसलिए उनके नाम पर ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाशहीन या अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम पहले स्टेप में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्षय अणु कोशिकाओं में उपस्थित सेल्स में उपस्थित रिबुलोज बाइफॉस्फेट से अभिक्रिया करके पीजीए बनाता है। पीजीए का मतलब बच्चों फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 मोल बनाते हैं। सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में उपस्थित रिबुलोज बाइफॉस्फेट आरयूबीपी रिबुलोज बाइफॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मोल बना लेते हैं। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और NADPH2 जो है आपस में क्रिया करके PGAL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGAL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और NADP ये स्वतंत्र हो जाती है। यह NADP पुनः हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करती है प्रकाश अभिक्रिया में। अब इस PGAL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के जो 12 मोल बने हैं इसमें से 10 मोल जो है
PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड रिबुलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करके पुनः कोशिकाओं में रहते हैं अगले डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के लिए। तो 10 मोल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के रिबुलोज बाइफॉस्फेट बना लेते हैं जबकि दो मोल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। बच्चों याद रखेंगे कुल जो है 12 मोल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना जिसमें से 10 मोल जो है यह फास्फोग्लिसरल्डिहाइड रिबुलोज बाइफॉस्फेट में परिवर्तित होकर कोशिकाओं में पड़ा रहता है अगले डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के लिए। शेष बचा हुआ जो 2 मोल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है वह ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के लिए देखते हैं 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 12 ATP और 12 NADPH2 यही जो लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर बना है और जो ऊर्जा ATP भी बनी है वह कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन रिडक्शन में प्रयुक्त हो रही है। देख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6 के अणु ग्लूकोज का निर्माण हुआ और 12 ATP बने और 12 NADP और 6H2O यह NADP पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन ग्राही के रूप में। इस संपूर्ण प्रक्रिया को केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्लूकोज जो बच्चों है ग्लूकोज शीघ्र ही यह स्टार्च मंड में रूपांतरित हो जाता है और मंड एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है एक संचयी कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जड़ तना पत्ती पुष्प कलिका फल बीज इत्यादि में संचित हो जाता है। इस तरह से ये केल्विन साइकिल के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये शॉर्टली हम लोग 10th क्लास के स्तर तक पढ़े डिटेल में आगे की कक्षाओं में इसको पढ़ा जाएगा। अब इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लास्ट हेडिंग इसकी है इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंतिम उत्पाद। तो बच्चों इसमें पहला अंतिम उत्पाद है जानते हैं कि ये ग्लूकोज CO2 से क्या बनता है ग्लूकोज ये ग्लूकोज और दूसरा जो है पार के रूप में जो है ऑक्सीजन गैस O2 ये कार्बोहाइड्रेट दो ही ये इन प्रोडक्ट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल के अणुओं से H2O से ये O2 उत्पन्न होती है किस क्रिया द्वारा फोटोलिसिस प्रकाश जल अपघटन क्रिया द्वारा ये जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो वायुमंडल में पहुंच करके प्योरिफिकेशन ऑफ एयर वायुमंडल के शुद्धिकरण वायु के शुद्धिकरण में भाग लेती है। और दूसरा महत्व है कि सभी जीवधारियों ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेशन का रॉ मटेरियल बनती है कच्चा माल। हम जानते हैं कि सभी जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप सभी जीवधारियों के लिए भोजन पोषण के लिए रॉ मटेरियल और श्वसन के लिए रॉ मटेरियल ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। थैंक यू।